नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो लोग 12वीं में फेल हो चुके हैं, जिन्होंने कापियों में पूरा का पूरा मैटर लिखा था और वे लोग जब रिजल्ट कल देखे हैं तो उनका 3 विषय में फेल, 2 विषय में फेल, 0-0 नंबर, प्रैक्टिकल में 0-0, तो ये सब है क्या? इसके पीछे कौन कारण है? इसके पीछे किस वजह से लोग इस तरह से नंबर पाए हैं? तो 2 तरीका है, ऐसी अनहोनी आपके साथ हो गई है तो इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड, तो आपका एग्ज़ाम जब हुआ, आप लिख रहे थे कॉपी, आपकी कॉपी में कुछ अच्छा लिखा हुआ था, कुछ अच्छा मार्क पाने की उम्मीद थी, तो जो टीचर्स ड्यूटी करते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो ये भी देखते रहते हैं कि कौन ज़्यादा लिख रहा है और ये भी देखते रहते हैं कि वो कौन किस तरह के परिवार से बिलोंग करता है, कि उसके घर के लोग, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी कॉपी अगर हम चेंज कर दें तो क्या उसकी उतनी पहुँच है कि वो उसकी जाँच करवाएगा या वो उसकी निगरानी करेगा या वो शक के आधार पर मुझे या उस अध्यापक को विज्जत करेगा या आगे चल करके घेरेगा या मारेगा पीटेगा। तो ऐसे जो सीधे साधे छात्र हैं जिन्होंने अच्छी कॉपी लिखी थी, उनकी कॉपी चेंज करके, कॉपी कैसे चेंज होती है, ऊपर का कवर जिस पर रोल नंबर, नाम, रोल नंबर पूरा लिखा रहता है, डिटेल्स लिखा रहता है, कवर वही रहता है, अंदर का जो कॉपी होता है जिस पर लाइनिंग होती है, जिस पर लिखना होता है, उसको केवल चेंज कर दिया जाता है, फिर से स्टेपल कर दिया जाता है या धागे से उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, तो इस तरह से कॉपी बदल दिया जाता है ऑफिस में। तो जो टीचर्स ड्यूटी करते हैं, प्राइवेट टीचर जो होते हैं, तो वो ड्यूटी के दौरान ये चेक कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा लिख रहा है और जिन बच्चों से वे लोग पैसा लिए रहते हैं उन बच्चों की कॉपी आप में डाल देंगे और आपकी कॉपी उसमें डाल देंगे और ऑफिस से सेटिंग रहता है कि इस तरह से करना है, तो पैसे का बंदरमार लोग कर देते हैं। तो जो लोग बढ़िया से लिखे थे, रोल नंबर ठीक से भरे थे, जिन्होंने 100 नंबर का पेपर था तो 80 नंबर किया था, 60 नंबर किया था, तो 80 नंबर 60 नंबर तक लिखने वाले को 50-55 मिलना चाहिए ना, 0 तो नहीं मिलना चाहिए ना, फेल तो नहीं होना चाहिए ना, तो 0 आया, फेल हो गया, इसका वजह यही है कि आपने कुछ नहीं लिखा, यानी आपकी कॉपी चेंज हुई, जाँचने वाले को आपकी कॉपी में कुछ नहीं मिला, तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह है कि कॉपी में रोल नंबर लिखते समय अगर मिस्टेक हो जाएगा तो भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा। अगर आप लिखे हैं और आपसे किसी का कोई दुश्मनी है, ड्यूटी करने वाले टीचर्स का दुश्मनी है या दूसरी भावना से है, आपने शरारत कर दिया एग्ज़ाम देते समय, तो वो आपके रोल नंबर में अगर 1 डिजिट गड़बड़ कर देगा, 7 को 8 बना देगा, 6 को 8 बना देगा, 9 को 8 बना देगा, ठीक है, और 2 को 8 बना देगा या कुछ भी बना देगा वो, तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ होना ही होना है। सॉरी। तो इसी नाते कहते हैं कि बाबू अनुशासन में रहो, तो जब अनुशासन तोड़ोगे तो जो ड्यूटी कर रहे होते हैं टीचर्स, कक्ष निरीक्षक, वे चाह लेंगे अगर आपको फेल कराना, तो गारंटी के साथ आप फेल हो जाएंगे, गारंटी के साथ आप फेल हो जाएंगे, भले ही आप 100 में 100 लिख करके आए हों, और अगर आपके रोल नंबर में एडिट कर दिया उन्होंने, रोल नंबर काट पीट कर दिया, कॉपी बदल के दूसरे लड़के की कॉपी में डाल दिया, आप तो एग्ज़ाम दे करके रेफरेंस पत्र लेके गेट के बाहर जाते ना, उसके बाद आधे घंटे तक आपकी कॉपी आपके स्कूल में रहती है, आपकी कॉपी आपके कमरे में गिन गिन के जमा होती है, रोल नंबर वाइज जमा होती है, फिर ये बंडल जाता है मेन ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, वहाँ पर फिर से गिनती होती है, फिर सारी कॉपियों, सारे कमरे की कॉपियों का गिनती फिर से होता है, तो वहाँ पर 10 सेकंड 15 सेकंड में ये सब चीज़ें बदल दिया जाता है। हर जगह नहीं, केवल वैसी जगह जहाँ पर ऐसी मानसिकता वाले टीचर, प्रबंधक, प्रिंसिपल, केंद्र व्यवस्थापक होते हैं। तो आपके 0-0 नंबर आने का ये वजह है जो मैंने आपको बताया। अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है? कुछ लोग स्क्रूटनी फॉर्म भरवाते हैं, तो स्क्रूटनी फॉर्म में आपकी कॉपी रीचेक होती है, लेकिन आपके सामने नहीं रीचेक होती है, आपकी कॉपी खोली जाएगी, अगर आपकी कॉपी किसी ने बदल दिया है तो बदली हुई कॉपी में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको स्क्रूटनी करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखा है, स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया आपने और आपने अप्लाई कर दिया और आपकी कॉपी में लिखा है, मान लीजिए कि आपने पाया 60 नंबर, तो स्क्रूटनी करने के बाद 60 को 65, 66, 68, 70 तक किया जा सकता है, लेकिन ये 60-90 नहीं हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, लेकिन जिनकी कॉपी में 0 नंबर 5 नंबर 8 नंबर पाने लायक नंबर है, वो 8 नंबर को 88 नंबर नहीं कर सकते हैं, 8 नंबर को 38 नंबर नहीं कर सकते हैं, 2-4 नंबर कृपांक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैंने लगभग
150 रिजल्ट देखा इंटरमीडिएट का। 150 रिजल्ट में से मुझे लगभग 100 से अधिक रिजल्ट ऐसे मिले जिसमें फिजिक्स में मात्र 23 नंबर मिला है। लड़कियों को तो 23 नंबर मिला, लड़के ज़्यादातर फिजिक्स में फेल हैं। और 80% जो प्राप्तांक है फिजिक्स में वो टोटल 23 नंबर है, यानी 23 नंबर को समझिए फेल है। 23 नंबर जो पाया है उसको समझेंगे आप कि वो फेल हो रहा था, जांचने वाले ने जानबूझ करके बॉर्डर पे पहुंचा दिया कि चल भाई 23 पा जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो 23 वाला समझिए वो कम ही पाया था, उसको कृपांक मिल गया है। एग्जैक्ट 23 कैसे मिलेगा सारे लोगों को? तो मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, पास होने के बाद वाले, फेल होने के बाद वाले, तो इन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 23 नंबर वाले बच्चे, फिजिक्स में 23 नंबर पाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जानकारी में भी 3-4 बच्चे होंगे, अगर हैं आपकी जानकारी में तो कमेंट में नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो उपाय कुछ भी नहीं है बेटा, जो फेल हो गया वो फेल हो गया, जो प्रैक्टिकल में फेल हो गया वो प्रैक्टिकल में फेल हो गया। बस यही उपाय मान के चलो कि आपको दोबारा पढ़ना है, आपको दोबारा पढ़ना है। कंपार्टमेंट परीक्षा 10वीं के लिए होती है, कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अभी कोई सूचना नहीं आई है, सूचना जैसे ही आएगी मैं अपने चैनल पर इसकी सूचना दूंगा, प्रक्रिया भी बताऊंगा, फीस कितना लगेगा वो भी बताऊंगा, सारी बात आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।